Welcome, friends. This is Aditya Kumar, the English teacher from Giridi, and today we are here to discuss about the subject matter or the exam pattern of Standard 12 English Core. So, let me remind you again: this is for English Core. So, when we are here, we will see that the probable sections that we will have to deal with will be a reading section. सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन विल बी हैविंग रीडिंग कंप्रीहेंशन एंड नोट मेकिंग समरी राइटिंग तो आप सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि हम लोग इंग्लिश कोर के सिलेबस को समझ रहे हैं जो संभवतः यही पैटर्न पे पूछा जाएगा सबसे पहले वहाँ पे एक रीडिंग कंप्रीशन होगा जो आठ मार्क्स का होगा इसके बाद नोट मेकिंग और समरी राइटिंग है जहाँ पे नोट मेकिंग चार मार्क्स के लिए हो सकता है और समरी राइटिंग तीन मार्क्स के लिए तो दोनों मिला के सात मार्क्स तो आपका रीडिंग सेक्शन बन जाएगा इंग्लिश कोर्स स्टैंडर्ड 12 में फिफ्टीन मार्क्स का इसके बाद जब हमने दोनों सेमेस्टर के सिलेबस को मर्ज किया तो यहां पे हमें मिलता है लेटर टू एडिटर ऑफिशियल लेटर ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक आपको लिखना होगा क्वेश्चन में दोनों ही दिया रहेगा पर आपको लिखना होगा दो में से कोई एक जो संभवतः पांच नंबर का होगा और रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग जो लॉन्ग कंप्रिहेंशन लॉन्ग कंपोजिशन है यहां पे देखेंगे हम लोग इस दो में से कोई एक करना और ये भी फाइव मार्क्स के लिए होगा तो ये होता है आपका ट्वेंटी फाइव मार्क्स का तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है पहला पार्ट है जो आपके किताब से बाहर है जो बिना किताब पढ़े आपको नंबर अर्जित करना है वो है ट्वेंटी फाइव और दूसरी तरफ हम लोग किताब की ओर आते हैं तो जैसा हम सब जानते हैं कि क्लास ट्वेल्थ के लिए हमारे सामने दो किताब प्रस्तुत किया गया है तो पहला किताब है फ्लैमिंगो जिससे संभवतः थर्टी फाइव मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन मिक्स होगा और दूसरा किताब है आपका विस्टास तो विस्टास से आपका संभवतः बीस नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से दोनों किताब को मिला के ये पचपन मार्क्स फिफ्टी फाइव मार्क्स का बनता है और स्कूल में आपको इंटरनल मार्क्स के नाम पे ट्वेंटी मार्क्स असाइन करते हैं आपके स्कूल के टीचर्स तो ये ट्वेंटी मार्क्स भी बहुत महत्वपूर्ण है स्कूल में अपना अटेंडेंस अच्छा रखे शिक्षक से अपना संबंध अच्छा रखे तो यहां पे बीस में आपको बीस या कम से कम अठारह तक तो मिल ही जाएगा इस तरह से जब हम टोटल करते हैं तो 55 मार्क्स आपको किताब से मिलता है 20 नंबर आपको आपके विद्यालय से मिलता है और रीडिंग और राइटिंग सेक्शन जो ये वाला था ये आके आपका बनता है 25 मार्क्स तो टोटल आपको 100 मार्क्स बन जाते हैं सो आई होप आई एम वेरी क्लियर टू यू मैंने आपको इंग्लिश में हिंदी में समझाने का कोशिश किया है कि इंग्लिश का जो आपका सिलेबस है कुछ इस प्रकार से रहेगा ये हंड्रेड मार्क्स का पूर्णांक होगा जो कि आपका मार्च 2023 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है उस चीज का अब एक बात हमें समझना है कि हम लोग पढ़ाई कैसे करें तैयारी कैसे करें ये तो हो गया लगभग संभव त तो जो सिलेबस आएगा वो लेकिन अब इसकी तैयारी कैसे करेंगे अब हमारे पास सिर्फ चार महीने बचे हैं जी हाँ जिसमें दीपावली छठ सब कुछ मनाना है और महीने बचें सिर्फ चार तो इस चार महीने में हम लोग इतना तैयारी कैसे करेंगे ये हमें समझना है एक चीज़ सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ कि अगर आज आप छः घंटा शिक्षा को नहीं देंगे तो आगे भविष्य में आपको बारह घंटे देने होंगे मजदूरी को तो आपके ऊपर यह है कि आज आप सम्मान के साथ छः घंटे पढ़ाई करेंगे या फिर भविष्य में एक लंबे समय तक बारह वर्ष तक अपमान के साथ मजदूरी करना पसंद करेंगे तो प्यारे बच्चों मुझे पता है आप सब पहला पसंद करेंगे छे घंटा पढ़ाई कर लेना तो छे घंटे में आप हर विषय को बांट लीजिए जो आसान विषय है उस पर थोड़ा कम समय दीजिए जो थोड़ा मुश्किल है जो थोड़ा वास्ट है उसको ज्यादा समय दीजिए तो मुझे लगता है अगर इंग्लिश की सिर्फ बात करें तो हर दिन अगर आप आधा घंटा से चालीस मिनट समय देते हैं सेल्फ स्टडी का स्कूल और ट्यूशन की पढ़ाई छोड़ के अगर आप आधा घंटा से चालीस मिनट समय देते हैं तो ये आपके लिए पर्याप्त होगा तो सबसे पहले देखते हैं रीडिंग तो झारखंड बोर्ड में बहुत ही आसान पूछता है स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछता है लगभग एक एक से सवा डेढ़ का आपका रहेगा गद्यांश जिसे आप बोलते हैं उस गद्यांश को पढ़ना है और वहां पे क्वेश्चंस रहेगा वन मार्क्स का या टू मार्क्स का मिक्स होके तो टोटल तो आठ नंबर का लगभग वहां पर गद्यांश होगा इसको हम लोग कैसे डील करेंगे तो इसके लिए आपके पास रीडिंग हैबिट होना बहुत जरूरी है कि रोज आप किसी भी सैंपल पेपर से किसी भी वर्कबुक से आप रोज कंप्रिहेंशन एक आध पढ़िए और उसको सॉल्व करिए हफ्ता में अगर आप तीन भी बना पाते हैं अब तो यह पर्याप्त होगा नोट मेकिंग और समरी राइटिंग इसका स्पेशल एक फॉर्मेट है एक डिजाइन है जो आपको इसी चैनल के माध्यम से आने वाले क्लासेस में हम लोग समझाएंगे तो ये नोट मेकिंग और समरी राइटिंग दोनों फॉर्मेट बेस्ड है बहुत ही आसान है आप किताब से अगर पढ़ रहे हैं तो जरूर पढ़िए अच्छे से पढ़िए और इस चैनल के माध्यम से बहुत ही जल्द छठ के आसपास आप लोगों को हम लोग ये आठ नंबर सात नंबर की तैयारी करवा देंगे बहुत ही आसान है एक क्लास में समझ में आ जाएगा अब है लेटर टू एडिटर और ऑफिशियल लेटर तो झारखंड बोर्ड में हर बार रोटेट करता है एक ही प्रश्न बार बार पूछता है अगर आप पिछले पांच साल का क्वेश्चन निकाल के तैयार कर लेते हैं तो आपको यकीन वहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा नया क्वेश्चन नहीं आता है और इस चैनल के माध्यम से आगे भविष्य में हम लोग आपको संभवतः जो आने वाला क्वेश्चन है वो जरूर उपलब्ध कराएंगे आंसर के साथ तो इस चैनल से आप जुड़े रहेंगे आपको यहां से सारा मटेरियल मिलता रहेगा तो लेटर टू एडिटर और तैयारी तो अच्छा कर लीजिए एग्जाम में जो आसान लगेगा वो आप लिखेंगे नीचे रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग में कोई एक आपको चुनना होता है और यहां पे दोनों ही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है झारखंड बोर्ड में बच्चों के लिए जो अच्छे बच्चे उनके लिए दोनों आसान है पर जो थोड़े एवरेज हैं, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है तो आर्टिकल राइटिंग में जो लेटेस्ट घटना घटित हो रही होती है देश में प्रदेश में उसके ऊपर ही क्वेश्चन आता है बनता है ये भी हम लोग आपको तैयारी करवा देंगे और रिपोर्ट राइटिंग होता है जो घटना घट चुकी है उसके बारे में आपको लगभग डेढ़ सौ शब्दों में लिखना होता है जैसे आपके स्कूल में टीचर्स डे का आयोजन हुआ रिपब्लिक डे का आयोजन हुआ इसके बारे में आपको लगभग एक से सवा पेज लिखना होता है तो इसमें हम पास्ट टेंस में रहते हुए पूरा लिखते हैं इसमें खास ध्यान रखना होता है रिपोर्ट राइटिंग में कि ये पूरी रूप से पास्ट टेंस में होती है और आर्टिकल राइटिंग की जहां तक बात है इसमें टेंस का कोई बंधन नहीं है जरूरत के हिसाब से आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी में भी जा सकते हैं इसमें इंफॉर्मेशन हम ज्यादा से ज्यादा देते हैं कॉज इफेक्ट और सोल्यूशन के ऊपर ही फोकस करते हैं अब इस तरह से आप देखते हैं कि बिना किताब पढ़े हुए आप पच्चीस नंबर की तैयारी कर सकते हैं और करना ही पड़ेगा दोनों ही बातें अब दूसरी तरफ आते हैं किताब की ओर जैसा आप लोग सब जानते ही हैं कि दो किताब है हमारे पास एक है फ्लैमिंगो और दूसरा है विस्टास तो फ्लैमिंगो जो है ये मेन बुक है और दूसरा विस्टास ये सप्लीमेंट्री बुक है और यहां से आपको थर्टी फाइव मार्क्स तक का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपका कविता भी शामिल होगा कहानी और कविता दोनों मिला के थर्टी फाइव मार्क्स है और विस्टास किताब में जैसे आपको पता है यहाँ पे कविता नहीं है यहाँ पे सिर्फ कहानियां है तो ये आठ कहानियां पढ़ने से आपको बीस नंबर के आसपास का इसमें एग्जाम में रहेगा तो ये दोनों मिला के फिफ्टी फाइव मार्क्स बन जाएंगे और ट्वेंटी मार्क्स इंटरनल है टोटल आपका हंड्रेड मार्क्स हो गया तो इस तरह से अगर आप रोज किताब पढ़ते हैं इसकी तैयारी कैसे करें तो रोज किताब पढ़ना ही है एक कहानी उठाएंगे एक कविता उठाएंगे और जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसमें लगता है उसके लिए आप उसको अंडरलाइन करते जाएंगे इसमें आपको ऑब्जेक्टिव में मदद मिलेगा तो झारखंड बोर्ड में आपको सरफेस लेवल क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में जैसा मैं पता है लगभग दस नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह सकता है बुक से तो आप किताब उठाएंगे और पेंसिल से आप अंडरलाइन करेंगे अब प्रश्न उठता है कि किस चीज को अंडरलाइन करेंगे तो झारखंड बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है इंग्लिश में वो आमतौर पर होता है इस चीज पे फोकस वाट मतलब उसका नाम क्या था वो जगह क्या था इसके ऊपर रहता है हु कौन था मतलब हु इज द राइटर हु इज द पोएट इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन रहता है कभी कभी हो सकता है वेयर कहां पे वो घटना हुई थी या साहेब आलम का घर कहां था या मुकेश का घर कहां था तो वाट हुन इन सब से आपका वन वर्ड वाला भी क्वेश्चंस बनेगा और आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बनेगा तो जब भी आप किताब पढ़ें अंडरलाइन करेंगे हर उस वाट को हु को वेयर को वेन को और इन सब का आंसर आपका आमतौर पे नाउन में आता है वर्ब और एडजेक्टिव वाला कम ही आता है तो जो भी नाउन्स जो भी संज्ञा आपको मिलते हैं किताब में चाहे वो जगह का नाम हो इंसान का नाम हो स्थिति का नाम हो उन सबको आप जरूर अंडरलाइन कर ले तो दस में से आठ क्वेश्चन उसी से आपको मिल जाएगा तो अगर आप ऐसा करते हर कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इस वाट हु वेयर वेन को अंडरलाइन कर लेते हैं तो आपकी ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो गई ठीक इसी तरह विस्टा का भी सारा कहानी को आपको तैयार कर लेना है तो इस तरह से हमने और फ्लैमिंग की भी ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर ली ले। लेकिन सब्जेक्टिव का, का काम इस तरह से नहीं होगा सब्जेक्टिव का जो पढ़ने का तरीका है वो थोड़ा अलग होगा सब्जेक्टिव में आपको क्या करना है कहानी पूरा पढ़ लेना है और उसकी समरी को लिखने की कोशिश करनी है अपने शब्दों में किताब पूरा पढ़ लिए समझ लिए किताब को बंद कर दीजिए किताब बंद करने के बाद आप अगर खुद से एक डेढ़ पेज में उसकी समरी लिख पाते हैं तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगा तो हर कहानी को सबसे पहले आपको एक बार अपने तरीके से पढ़ लेना है फिर बुक बंद करके उसका कहानी इंग्लिश में अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करनी है पहला स्टेप ये होगा दूसरा स्टेप ये होगा जब हम सब कहानी को अच्छे से पढ़ चुके हैं एक बार लिख चुके हैं अब उसका टेक्स्ट बुक के पीछे का जो क्वेश्चन है तो एनसीआर टी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चन है उसको अब दो दो नंबर के लिए अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे तो जब आप ऐसा करते हैं रोज आप एक से दो पेज अपने हाथ से अपने शब्दों में लिखते हैं बिना किसी के मदद से तभी आपको फ्लैमिंग और विस्टास का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस मिलेगा तो इस तरह से हमने देखा कि फ्लैमिंगो विस्टार्ज और रीडिंग राइटिंग सेक्शन दोनों का प्रैक्टिस किस तरह से करते हैं तो अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपका मेहनत और हमारा गाइडेंस दोनों मिलके हम आसानी से पचासी परसेंट नंबर ला पाएंगे तो आज के लिए इतना ही आगे के वीडियो में आपको उपलब्ध कराया जाएगा कि किस तरह से नोट मेकिंग समरी राइटिंग करते हैं और कैसे रीडिंग कंप्रहेंशन प्रैक्टिस करते हैं तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें और मनोबल बढ़े हम और अच्छे से आपके सामने मटेरियल लेके आए तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं बहुत ही जल्दी दिवाली बहुत अच्छे से मनाइए छठ बहुत अच्छे से मनाइए लेकिन उससे भी ज़रूरी बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए धन्यवाद